सर्दियों में तो ठंड के कारण शिवरिंग होती है पर बुखार आने पर तो गर्म शरीर भी कांपने लगता है आखिर क्यों यह आपका ब्रेन है और इसमें यह हाइपोथैलेमस है जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है जब कोई पैथोजन यानी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है तब तभी कुछ प्रोटीन्स रिलीज करता है जिन्हें एक्सोजीनस पायरोजन्स कहते हैं इस पैथोजन की एंट्री से आपका इम्यूनो सिस्टम एक्टिवेट होकर इफेक्शन से फाइट करने के लिए डब्ल्यू भेजता है जो साइटोकाइन या एंडोजीनस पायरोजन रिलीज करती है यह पायरोजेंस मिलकर प्रोस्टाग्लैंडिन ई रिलीज करवाते हैं जो हाइपोथेमस को बॉडी के टेम्परेचर बढ़ाने का सिग्नल देते हैं क्योंकि बहुत से पैथोजन हाई टेम्परेच में सर्वाइव नहीं कर सकते ऐसा करने के लिए हाइपोथेलेमस आपकी बॉडी का सेट पॉइंट यानी बॉडी के लिए आइडियल टेम्परेचर जो अप्रोक्स नाइन्टी डिग्री फेरहाइट होता है उसे इंक्रीज कर देता है जिससे आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ठंड लगती है इस ठंड से बचने के लिए आपकी बॉडी में दो चीजें होती हैं पहली वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन यानी ब्लड वेसल्स का सिकुड़ना जो हीट लॉस रोकता है और दूसरी मसल्स का इन्वॉलेंट्रिली टू एंड फ्रो मूवमेंट जिससे आप शिवर करते हैं और हीट जनरेट होती है अगर आप भी ऐसी थ्री डी बनाना सीखना चाहते हैं तो पिंड कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक